हेदर से हरिनारायण बने व्यक्ति के घर पर पिछले दिनों कुछ लोगों ने हमला किया था। हमले की पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा किया, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो पूरी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हेदर से हरिनारायण बने व्यक्ति ने अमरण अनशन की घोषणा कर दी और इंदौर के पलासिया चौराहे पर वो अनशन पर बैठ गए हैं। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पिछले दिनों हरिनारायण के घर पर हमला किया। हम उस रात का पूरा सच इनसे जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या है पूरा मामला। सर, उस दिन ये हुआ था, मेरे घर के सामने में कार में से उतरा, इतने में एक बच्ची रोती हुई आती है और मुझे कहती है भैया बचाओ। और इसी कारण उसी जगह पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में बच्ची मदद मांगती है मम्मी से, उनकी मम्मी गुस्से में थी बच्ची को मारने के लिए, तो बच्ची डर के बाहर आई तो बचाया उसको हमने। बचाने के बाद में जब बच्ची की मम्मी को हमने मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर उसे समझाया तो वो मम्मी, उनकी जो मम्मी थी वो भाग चुकी थी वहाँ से। तो हमने पुलिस की धमकी दी थी कि पुलिस बुला लेंगे, तुम बच्ची को मार रही हो। तो छोटी बच्ची ने फिर हमसे मदद मांगी, हम वहाँ पर चार पांच जने और खड़े थे, तो तीन जनों में से एक ने रेपिटो करा, रेपिटो वाले को बुलाया, रेपिटो करके बुलाया। उसके बाद में हम आकाश करके और मैं शुभम, हम दोनों उसको छोड़ने गए, मेरे पास वीडियो भी पड़ा है। तो उनने बच्ची ने मदद मांगी और बोली कि मेरे मौसा जी के यहाँ छोड़ दो, जिनका नाम हैदर अली बताया था। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ जाकर हमने जब गेट ठोका वहाँ पर कि भैया हैदर अली भाईजान करके आवाज़ दी, तो उनने गेट नहीं खोला। उसके बाद में फिर बच्ची को बोला कि बेटा यहाँ पे तो कोई गेट नहीं खोल रहा है, तो क्या करें। तो वो बच्ची ने बोला मुझे कि मेरे गांधीनगर में कोई रिलेशन में रहते हैं तो उनके यहाँ पहुँचा दो। तो मैंने रेपिटो वालों को पैसे दे के और वहाँ पर पहुँचाया गांधीनगर। उसके बाद फिर बाद में मालूम पड़ता है कि हैदर अली ने हमारे खिलाफ झूठी झूठी कंप्लेन लिखाई है। आपके साथ वहाँ कुछ और मुस्लिम लोग भी खड़े हुए थे क्या, इस तरह से कुछ बात सामने नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। आपत्तिजनक नारे लगाने की भी बात सामने आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब जांच पड़ताल के बाद में सब हुआ है, जांच पड़ताल के बाद जो भी हुआ है सब हुआ। आज वो अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस बता रही थी कि वो मेरी रिश्तेदार नहीं है, मतलब हैदर का ऐसा कहना है कि जो लड़की है वो मेरी रिश्तेदार नहीं, जो लोग पूछे थे उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगा, लेकिन पुलिस ने कुछ दूसरा ही मामला बताया। सर, बच्ची की रिश्तेदार है, वो बच्ची के मौसा जी लगते हैं। वो बच्ची ने ये बयान दे चुकी है, बच्ची थाने में हमसे भी जो पूछा गया सच सच बताया और सारी जांच पड़ताल के बाद हम सही पाए गए। वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग भी थे आपके साथ जो इस तरह के नारे वारे लगा रहे? ऐसा कोई भी नहीं था वहाँ पर, सिर्फ पड़ोसी वगैरह उठे। जब हमने इन्हें उठाया तो कोई नहीं उठा, पड़ोसी से भी पूछा कि ये लोग कहाँ हैं, तो उनने मना किया कि नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनने ये बताया जा रहा है कि हथियार थे, हमने और भी गलत मारने के वीडियो भी सामने आए। नहीं, उनने एक कंकड़ जरूर उठाया था कि शायद हो सकता है उनके घर के साइड में चद्दर वगैरह ऐसा कुछ हो तो उस पर उठा के, बाकी पत्थर मारा भी नहीं, उठा के वापस नीचे जमीन पर अटक दिया था कि पत्थर मारना गलत हो जाता, हमको मालूम है हम मुस्लिम एरिया में थे तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसे समाज सेवा का काम हम करते हैं, मैं खुद सभी संगठनों में जाकर सभी संगठनों का साथ। क्यों उन्होंने क्या पहले संगठन से बात नहीं करी थी, आप लोगों से बात नहीं करी थी जो इस तरह से पूरा माहौल निर्मित हो गया? कुछ भी नहीं कह रहा, हमको तो मालूम ही नहीं था ना, हमको तो ऐसा अनशन पर बैठे उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो सिर्फ जो भी कर रहा है सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है और हमें बदनाम करने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थे हमारे साथ, जिस दिन हैदर के घर पर हमला हुआ, हैदर उप हरिनारायण के घर पर हमला हुआ, ये शुभम है जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी और जिस तरह से ये उस दिन रात का पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। उसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हैदर उप हरिनारायण अनशन पर बैठे हैं, अब शुभम के सामने आने के बाद वह किस तरह का आगे मूवमेंट करते हैं। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।